Hi everyone, welcome back to my channel In a Moment Baby to Be. And sorry guys, मैं बहुत slow sound कर रही हूँ because इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तबीयत ऐसी ऐसी मेरी body हो गई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं सुबह जब उठती हूँ सो के तो मेरे full body pain रहता है, full body pain रहता है. और अभी भी मेरे बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा. क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब. आज मैंने कुछ वो भी नहीं किया, सिर्फ स्किन केयर करके छोड़ दिया है. बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी बॉडी को लेकर. कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमानेंट में बेड में पड़ जाऊँ. बहुत बुरी कंडीशन है, इस एज में इतनी ख़राब कंडीशन किसी की नहीं होती. और मेरी इतनी ख़राब कंडीशन है, इतनी ख़राब कंडीशन है कि मैं क्या बताऊँ, इतना ख़राब कंडीशन है. बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत कोशिश किया है कि ठीक हो जाऊँ मैं, ठीक हो जाऊँ मैं, ठीक हो जाऊँ, बट नहीं होता. बताइए अब क्या करूँ ऐसा कि मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से. और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपने लिए, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. मैं बेड पे लेट रही हूँ तो ऐसा लग रहा है लेटे रहूँ, कोई मेरे को शरीर को दबाता रहे. बॉडी बहुत पेन कर रही है. सोचती हूँ कि कहीं इतनी ख़राब कंडीशन ना हो जाए कि पूछे मत. बात करते एक कमेंट के ऊपर. एक कल जब मेरा जो मेकअप वीडियो गया था तो मुझे एक कमेंट आया उस पर कि मंगेटो की तरह, मतलब जो मांगते रहते ना उनकी तरह तो लाइक मांगती रहती है. अरे तो मेरा ये हक है भैया, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो क्या मैं लाइक भी ना मांगूँ? और मांग लिया तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए. बेकार के कमेंट क्यों करते हो यार, क्यों? समझ ही नहीं आता. कोई बोलता है कपड़े नहीं है, कोई बोलता है ये नहीं है. अरे भैया तुम्हारे पास है तो तुम अपने ध्यान रखो ना. हाँ thank you.
Hi guys, so just अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई हूँ। टैनी को नहला के सुलाया है मैंने और हम बॉडी अभी भी ऐसे ऐसे चिल कर दिया। कमेंट की बात करें तो यार कोई कोई तो हद ही कर देता है। एक मोहतरमा है जो मुझे लिखते हैं कि आप सिगरेट पीती हो इसलिए आपकी वॉइस से पता चलता है। अरे मैडम, बीड़ी सिगरेट वालों के कभी लिप्स देखे हैं? कितने काले और भयंकर लिप्स होते हैं और एक लेयर क्रिएट हो जाती है। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, सिगरेट या क्या बोलते हैं उसको, बीड़ी, ये उन लोगों के ना ये लिप्स होते हैं ना, उस पर एक लेयर क्रिएट हो जाता है ब्लैक कलर का एकदम। जैसे मेरा रेड है ये देखिए, ठीक है? तो इसी तरीके से एक ब्लैक कलर का लेयर क्रिएट हो जाता है और मेरी आवाज़ ऐसी है। कई सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ें ना थोड़ी सी भारी होती है जैसे मेरी है, तो इसका मतलब ये है कि सब सिगरेट पीते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है? आप लोग जानते हो मैं किस तरीके से रहती हूँ, किस तरीके से क्या करती हूँ। अगर मैं सिगरेट पीती ना तो ये तो बिल्कुल भी ना लगाती, क्योंकि जो मॉडर्न वुमेन होती है ना, जो सिगरेट और ड्रिंक करने वाली, वो ये इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती हैं। जैसे मैं रहती हूँ, अपना घर का काम करती हूँ, ये सब नहीं करती हूँ ना, भी फिर मॉडल बन के रहती। मेरी भी टाइम आएगा जब मैं भी मॉडल बन के रहूँगी, बट ये सिगरेट मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं करता, ना मेरे हस्बैंड करते, ना मेरे पापा करते, मेरे नाना भी नहीं करते। मेरे बाबा और बीड़ी पीते थे ज़रूर, लेकिन ना कोई भी हमारे फैमिली में ऐसा कोई नहीं करता। बाबा पीते थे बस, वो भी अब तो नहीं है इस दुनिया में, 2 साल हो गए उनकी डेथ को। सो गाइज प्लीज़ यार, ऐसे कुछ सोच के बोला करो। भैया मैं भी लेडीज हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, तो मुझे ना चुभे ऐसी बातें मत बोला करो कि दिल को चुभ जाती है यार। कुछ भी आया, उठाया मुंह और बोल दिया तुमने सिगरेट पीते हो। अपने आप पे ध्यान दो ना, अपने आप पे कि तुम क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो सिगरेट पीते। सो देखा आप लोगों ने, कल मैंने काम, मुझसे कल काम बिगड़ गया था। मैंने मतलब जैसे बताया कि ऑयल फैल गया था लास्ट ब्लॉग में, देखा होगा आपने, तो वो किचन में ना कि पूरे चिपचिप हो रहा था। जरा सा ये सब बर्तन धो रहे हैं तो पानी गिर गया नीचे, अगर पानी में तैर गया तो वो पूरा किचन ना स्लिप कर रहा था। वैसे बात तो थी हमें किचन क्लीनिंग की, पूरा फुल क्लीनिंग करना था ऊपर से लेके नीचे पूरा सब कुछ, बट ना मैं कर तो अकेले लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस टैनी को कोई ढंग से पकड़ लें। पर टैनी, जिस दिन सानू और टैनी घर में होता ना, वो बहुत परेशान रहता है। सानू के सैटरडे संडे स्कूल ऑफ रहता है तो वो नहीं करने देता, बहुत लड़ाई होती है, सानू उसको मार देता है तो वो बहुत रोती है, तो बेचारी डर भी जाती है। वो इतना तेज़ चीखता है ना सानू, बहुत भयंकर तरीके से चीखता है, तो बेचारी डर जाती है, रोती है, मार भी देता है वो, उसको शैतान है थोड़ा सा सानू, तो उससे कुछ कह भी नहीं सकते। भैया बच्चे हैं, किसी से नहीं कुछ कह सकते, दोनों ही अपने ही है, कोई पराया तो नहीं है। तो क्या हुआ था कि मैंने सोचा था कर लूँगी, लेकिन मेरी बॉडी भी ऊपर से इतना पेन कर रही, तो मैंने बोला मम्मी को करेंगे मैं जब कर दूँगी, जब इसको कोई पकड़ ले और जल्दी किचन से फ्री हो जाए। अभी 12 बजे तक अगर किचन से फ्री होंगे तो मैं कब तक करूँगी बताओ? 2 बजे मेरा वीडियो भी जाना होता है, अगर 2 बजे तक मैंने चलो किचन क्लीनिंग कर भी लूँगी, फिर 4 बजे से मुझे किचन में जाना होता है। इतना मेरे अंदर दम नहीं है भैया कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ। जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे घर में काम नहीं होता, मैं कुछ नहीं करती, मैं सब हैंडल कर लेती हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, वो लोग समझ जाओ भैया। आज की वीडियो में देख लिया होगा कि मुझे झाड़ू पोछा, बर्तन क्लीनिंग, फुल क्लीनिंग करनी है पड़ती है, इस रूम का भी, उस रूम का भी, किचन का भी, बरामदे का भी, सब करना पड़ता है। बहुत से लोगों के घर में काम वाली भी लगी हुई है और सब कुछ होता है, फिर भी उनके पास टाइम नहीं होता कुछ करने को। मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब भी संभालती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ, अपनी बेबी को भी संभालती हूँ, इतना जिद करती है ना टैनी, और सानू जब हो तो उसको भी देखना पड़ता है, कभी उसको मार ना दे, कभी कुछ करना दे। इतना टैनी भी मुझे कम परेशान नहीं करती, आप लोगों को लगता होगा बिल्कुल परेशान करती, बट टैनी मुझे बहुत परेशान करती है। और ऊपर से मेरी वीकनेस, वो मुझे खाए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी वीक होती क्यों जा रही हूँ अंदर ही अंदर।
अब मैंने सोच लिया जैसे ही आते हैं मैं सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी जाके कि ऐसा हो क्या रहा है। मेरी जो स्वीटी थी, स्वीटी को पीलिया होता था, बहुत पीलिया होता था, तो समझ ही नहीं आ रहा था। झड़वा लिया, सब कुछ करवा लिया, पीलिया जा ही नहीं रहा था। तो जब देखा तो उसके पेट में ट्यूमर था, तो वो ट्यूमर उसका ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था स्वीटी का, पता है। उसका भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम दुबली हो गई थी, मतलब मेरी शादी में बहुत अच्छी खासी मोटी थी, और जैसे ही जब उसका ऑपरेशन हुआ एकदम सूखी थी, फिर जैसे धीरे धीरे कवर अप हुई। बहुत सारे लोग जब उनका सी सेक्शन यानी कि सीजर जब होता है ना, तब जो हमारी बॉडी होती है वो फूल जाती है, क्योंकि भैया किसी भी चीज़ में तुम छेड़खानी करोगे तो वो तो ख़राब होना ही होना है। तो हमारी बॉडी सबकी फूल ही जाती है, मोस्ट लोगों की फूल जाती है, पर मेरी बॉडी आई थिंक 1% लोगों की नहीं फूलती। मेरी बॉडी ना फूली नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दिन पर दिन वीक इतनी वीक होती जा रही है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा खुद नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है मेरे साथ। आई डोंट नो यार, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतू सा भी नहीं समझ आ रहा कि मैं इतनी वीक होती क्यों जा रही हूँ। अब इतनी धूप बढ़ गई है कि ये मेरा जो मनी प्लांट है जल रहे हैं इसके पत्ते, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए भी। रूम में भी सोच रही हूँ वो कंबल है, मतलब जो मेरा रजाई है उसका कवर उतरवा के, उस पर सिलाई करवा के, धुलवा के उसको भी रख दूँ, पर उसके लिए भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये सारा काम कर लूँ। मैं जो डेली का होता है एवरीडे वो कर लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं पा रही हूँ। बता तो रही हूँ, मेरा इतना मतलब वो हो रहा है मेरे बॉडी में कि हिम्मत नहीं हो रही है। मन कर रहा है कि मैं ये कर लूँ, पर अंदर से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये कर पाऊँ। पता नहीं क्यों हो रहा है यार, आई डोंट नो। चलिए मैं आप लोगों से फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सो गाइस, ये देखिए मेरे पास तेनू है। हाय तेनू, हाय, क्या हो गया? गुच्छा हो, छपछे गुच्छा हो, हाय बोल दो। गुस्सा हो गई तेनू, गुच्छा, और सारी ड्रेस उसने क्या अजीब तरीके से खराब करी है, कुछ नहीं पता है। सो गाइस, कुछ नेम लेने हैं। तो यहाँ पे है मुजीम अहमद, जिनका नाम है नेहा, मैं पहले भी ले चुकी हूँ नेहा आपका नाम। फिर है एक सब्सक्राइबर, उनकी बेटी का नाम है मिस्टी। एक है नवराज खन्ना और एक है किधी, निधि पटेल होगा, किधी पटेल तो नहीं हो सकता, मैंने किधी क्यों लिखा है, निधि पटेल होगा आई थिंक, ठीक है। फिर है नादिका। तो ये सारे नाम मैंने, मुझे रिक्वेस्ट आई थी लिए हैं। अभी जा रही हूँ किचन में, टेनू नहीं, और टेनू को रेडी करना है बाहर जाने के लिए। और भैया लोगों का क्या कहना है, क्या क्या कमेंट करते हैं। अभी जैसे इडली वाली रेसिपी की है, वो बोले हैं उसमें कि क्या बोले, हाँ एक तो बोलती है पूरी इडली की रेड मार दी, कैसे खाती हो ये वो फलाना ढीका। भैया हम तो सिंपल खाने वाले हैं, ऐसे ही खाते हैं। सच में लोगों का तो कुछ भी नहीं। ये देखो हमारी टेनू पानी पी रही है। टेनू हाय, काम बिगाड़ती रहती है ये लड़की मेरे लिए, सच में बहुत बुरी तरह की। हाय बोलो, कैसे हो? और टेनू के चैनल पे भी आपको एक बढ़िया सा वीडियो मिलेगा, छोटा सा क्यूट सा, ठीक है। तो भैया हम ऐसे सिंपल खाते हैं, बेबी के लिए बनाया तो सिंपल ही रेसिपी बनाई जाएगा, उसमें सारी चीज़ें ऐड नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो आपको नहीं पसंद तो मत देखिए, मुझे तो पसंद है, मेरी बेबी को पसंद है, तो हम तो ऐसे ही खाते हैं। और चलिए इस वीडियो को यही करती हूँ। और आज ऐसी लग रही हूँ जैसे कितना बीमार हूँ, सच में ऐसा ही बॉडी देखो ना, क्या खगार गई है क्या। हम दे रहे हैं अभी आपको, दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, शाम के बच्चों के चार, मेरा टाइम हो गया किचन में जाने का। सो बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। हम इस तरीके से शूट करते हैं, कभी कभी हैंड ट्राइपॉड भी ले लेते हैं, कभी कभी हाथ में होल्डर की तरह समेत पकड़ते हैं। सो बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।